दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्याम घाट वाले बाबा की जय। दोस्तों आज है बुधवार और तारीख है 20 मार्च 2024। और दोस्तों आज मौसम बड़ा सुहाना है, गर्मी आ गई है और गर्मी के कपड़े भी निकल गए लोगों के। हर्षित ये कहाँ चले गए, बच्चे भी कहते कहते। ये है सीनू बागड़ी और ये है विराट बागड़ी। कुछ कहना चाहेंगे सीनू बागड़ी? हाँ, ये संतरा खा रहा है। मैं संतरा खा रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अच्छा अच्छा, और आप बोलो, आप क्या कर रहे हो? आपने भी संतरा खाया है? हाँ, मैंने भी खाया। और कोई गाना वाना सुना दो। मैंने खाया। कोई गाना वाना सुना दो, आपको आता है तो जल्दी सुनाओ, जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट। अबे भाई गाना सुनाओ दोनों। तू सुना भाई, तू कौन सा? स्पाइडरमैन। चलो ठीक है, थैंक यू। दोस्तों बच्चे बड़े अच्छे। दोस्तों ये हमारे दीपक कोहली के पापा एस के कोहली साहब और हमारे पुराने मित्र हैं। थोड़ा आ भाई संदीप, क्या हाल है? बढ़िया जी। ये फेस थोड़ा सा आपका अंधेरे में। ये हमारे एस के कोहली हैं और दीपक कोहली जी के पापा हैं। और आज पता नहीं हमारे खुश नसीबी है कि आज हमारे उधर दे, आज खुश नसीबी है कि आज हमारे ये घर पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। ये आ रहे हैं विशु बागड़ी। नमस्कार। और क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ताऊ पहले से जान दो, देखो ये सख्त अपराध है। इतने छोटे बच्चे को स्कूटी देना, कुछ भी देना है, दिखाओ उसकी शक्ल, दिखाओ ताऊ उसकी शक्ल, दिखाओ, सख्त अपराध है। तो मैं कहना, हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा विशु बागड़ी जी, आप नौजवान है, पहला वोट आएगा आपका, आप वोट करेंगे और बहुत अच्छी बात है, वोट करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चुनाव के दौर में क्या कहना चाहेंगे कि भाई चुनाव के दौर में जागरूकता के तौर पे, जागरूकता के तौर पे सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत यूथ है और यूथों को समझ के चलना है बस। और अपना मतदान वोट अपना वेस्ट नहीं करना है और ऐसे लोगों को वोट नहीं करना है जो नारी शक्ति के विरुद्ध हो, संविधान के विरुद्ध हो और घोटालेबाज ना हो और झूठ ना बोलते हो। ऐसे लोगों को वोट करना जो नारी शक्ति के विरुद्ध हो, घोटालेबाज हो, ऐसे लोगों को वोट मत करना और संविधान के विरुद्ध जाने वालों को कृपया मत चुनना, कृपया मत चुनना। और धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखिए ये हमारा भतीजा है, देखिए ये यहाँ पर छोलिया छील रहा है, इतनी गरीबी आ गई है इसमें, इसके आगे छोलिया तो रखो। ये है सुमो अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, और छिली हुई छील के दिखा रहा है कि भाई मैं छोलिया छील रहा हूँ, इतनी तो अभी गरीबी नहीं आई है। सुमित अग्रवाल, हाँ बच्चों, नहीं बेटा पानी नहीं डालते, पानी नहीं डालते। हाँ भाई क्या हो रहा है? नहीं बेटा पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, नहीं नहीं पानी नहीं डालते किसी पे। ये ध्रुव पे पानी डाल दिया, ध्रुव पे पानी डाल दिया भाई, होली खेल दिए भाई, होली खेल दिए भाई। ये देखिए दोस्तों बच्चे कितने मेहनती हैं, देखो छोले छिला रहे हैं बाबा का। हेलो बच्चों, यहाँ कौन छिलवा रहा है? हाँ बच्चों कुछ को बोलो, हेलो हाय कुछ तो बोलो। yeah.
मैं ऐसा ही है, यहाँ पर छोलुआ छोला जो छोलिया छिलाया जाता है, फिर यहाँ से ये सप्लाई होता है मंडी, मंडी में जाके बिकता है छोलिया, या पूरी कॉलोनी में छोलिया छिलवाया जाता है। और सही बात होना भी चाहिए, छोटा मोटा रोज़गार तो मिल ही जाता है गरीब गुरबाओं को, गरीब गुरबाओं को थोड़ा बहुत छोटा मोटा रोज़गार हो जाता है, जो खाली घर में रहते हैं अपने छील लेते हैं। क्या भाव छिलवाते हैं? 15 रुपये धड़ी। 15 रुपये धड़ी, यानी कि 15 रुपये का 5 किलो छोलिया छिलवाते हैं। और हम जब नंदनगरी में आए थे, जब गरीबी थी यहाँ, तब हम 50 पैसे धड़ी छीलते थे, और आज 15 रुपये धड़ी है। हमने भी छीला है छोलिया, हमने शांति का नहीं, हमने यहाँ बीतीन में थी, बीतीन में यहाँ गुरुद्वारा था ना, उसके पास में थे, उनका छीला है, बहुत छीला। ये देखिए छीला ये देखिए बच्चे, हमने भी खेले हैं कंचे बचपन में। अभी दिखाऊंगा, ये देखिए सब बच्चे कंचे खेल रहे हैं। आप लोगों ने भी कंचे खेले हैं बचपन में? जिन्होंने बचपन में कंचे खेले हैं मुझे कमेंट करके बताएं, और तू भी बता कुछ। और समोसे क्या भाव है भाई? समोसे मात्र 5 रुपये का समोसा है, चटनी साथ में है, और ताजे ताजे बना के देता भाई। क्या बात है, रुक जा बेटे, रुक जा, क्या कर रहे हो? मेरा सही है, मोटे वाला दिखा दे, वो चलो भाई। विजय भाई है, विजय भाई, चलो ये विजय भाई है, छोटा बच्चा है, ये तो भतीजा मेरा, भाई तो होगा तेरा, भाई भाई ये तो भतीजा हमारा। मार, मैं कंचे मार रहा हूँ। चलो ओ भाई, ध्रुव भाई, ध्रुव मोटे पे मोटा कंचा निकलवा दे, ध्रुव आराम से छोड़िए, ध्रुव आराम से भाई, जब चलवा दो मंडी। लो यार आगे आगे, वो आगे भग दिया, लगती भाई, अगर आराम से, आराम से, अब कौन ले गया अलग से, इतनी सी छोड़ दी होती है। मैंने एक गिर किया है, तू गू है ना पूरा, तुम कौन सा गू नहीं हो, तुमने कौन सा मार दिया पूरा है ना, सबने लग जाएगा आराम से, टाइम देखिए, भाषा की मर्यादा रखे। लंगड़ी 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 घोड़ी खेल रहे हैं, लंगड़ी घोड़ी। जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। गर्मी आ गई है तो उन भी उसके मुंह पे आगे से हटा, वो भी तो कुछ बोलेगी ही, बोल कुछ बोल। जय श्री राम सबको, अंकल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, अंकल के 40 कम है अभी, 1000 होने में, अंकल के 1000 बढ़ा दो जल्दी से, अंकल बहुत अच्छे हैं। आप बोलो जय श्री राम, अंकल के चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और अंकल के पास 40 कम है वो बढ़ा दो। थैंक यू, तुम भी बोलो। और सबको जय श्री राम, अंकल का चैनल बहुत आगे तक बढ़ाओ गाइस, अंकल भी तो फेमस होंगे सबकी तरह। दोस्तों आपने कंचे खेले हैं कभी बचपन में? जिसने खेले हैं मेरे YouTube पर मुझे कमेंट करें। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ कंचे खेल रहे हैं, अब देखिए किस तरह से खेलेंगे। लग रही क्या, इतना गीला हो गया पिचकारी से, अभी होली आई नहीं, अभी होली 4-5 दिन रह गए। इधर आ, क्या कह रहा है इधर? ये देखिए हमारी पूनम जी आ रही हैं सब्जी के साथ, और निशा जी आ जाओ, आ जाओ बेटा,
आइए बीएलओ साहब, मीटिंग में से आए हो, क्या हुआ मीटिंग में, क्या रहा? सैलरी पूछी, सैलरी नहीं दे रहे। अच्छा, सैलरी नहीं दे रहे। पूनम जी सब्जी खरीद के लाई है, तो तुम्हारे को भी दिलवा के लाई है, तुम्हें भी लाई है क्या? चलो हम भी आ जाएंगे। पूनम जी सब्जी खरीद के लाई है, तो तुम्हारे को भी दिलवा के लाई है, तुम्हें भी लाई है क्या? चलो हम भी आ जाएंगे। दोस्तों हमारी नंदनगरी का बाज़ार देखिए, सब्जी मंडी। अभी बजे हैं 8 रात्रि के और दुकानें सही चल रही हैं। हाँ भाई कल्लू सिंह, क्या सब्जी लाया है? पालक, इधर को मुंह करके बात कर। सरसों, पालक, बथुआ, मूली, हाँ जी बहन जी, क्या हाल है आपके? ठीक हो? और भैया आप? बढ़िया, राम राम जी, राम राम। ठीक हो भाई? दोस्तों ये हमारे भतीजे हैं और ये दोहाई पर इनका अपनी शॉप है। कहाँ की शॉप है? सीट कवर की। सीट कवर की शॉप है, नाम क्या है? करण, करण श्रीवास्तव। करण श्रीवास्तव, ये करण श्रीवास्तव हैं। हमारे दोस्त थे संजय श्रीवास्तव, वो अब इस दुनिया में नहीं है, जल्दी चले गए, थोड़ा उनको टाइफाइड बिगड़ गया था पहले, और उनके बेटे हैं ये, अपने पैरों पे खड़े हैं, सही है, बढ़िया है। हाँ भाई ये भी आ गया हमारा, क्या नाम है तेरा? राजा। और राजा जी क्या हाल है आपके? ठीक हो? और पढ़ाई सही चल रही है आपकी? या हमारे मतलब हमें मोसा कहते हैं बच्चा, ये राजा जी हमें मोसा कहते हैं, तो हमारा क्या लगा भांजा? राजा जी की मम्मी बाहर खड़ी है। कहाँ है राजा की मम्मी? राजा जी की मम्मी नमस्ते, राजा जी की मम्मी नमस्ते। दोस्तों ये हमारे छोटे कोहली साहब हैं, क्या नाम है आपका? विवेक। हाँ विवेक, विवेक, विवेक कोहली, विवेक मोहर। और ये भाई जो बराबर में है ना, जिनकी फ़ोन की दुकान है, इनकी दुकान है फ़ोन की, पल्लौंडा सही पे। इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, ये तो बोलेगा नहीं, सही बात नहीं है, मैं ही बोल देता हूँ। और इधर भी आ चुके हैं, और पहले भी मेरे ब्लॉग में आ चुके हैं, ये सूरज मोहर और ये दोनों भाई आ चुके हैं, नमस्ते। और बिहान जी भी आ चुके हैं कई बार, कई ब्लॉगों में लोग कहते भी हैं कि बिहान जी का आपका क्या संपर्क है, मैं का बच्चा अपना है। दोस्तों एक सूचना, जो कि बदायूं ज़िले में जो दो मासूम बच्चों की हत्या की है, किसी कोई निर्दयी थे, और अपराधी अपराधी होता है, मैं उसकी उन बच्चों की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और जो वहां की सरकार ने एनकाउंटर किया है बहुत बढ़िया कदम है, और हत्यारों को इसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधी अपराधी होता है। उन मासूमों का क्या कसूर था बेचारे बच्चों का, उनकी हत्या कर दी गई, बड़े शर्म की बात है, शेम शेम। दोस्तों आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, कोई भूल चूक हो गई हो तो समझ पर आती हूँ, आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, टाटा बाय बाय।